सॉरी चार लेटर से बने हुए होते हैं, जैसे सीता, सीता में लेटर्स कितने, चार। ऐसे ही जैसे राधा, राधा में लेटर्स कितने, पांच। ऐसे किसी भी नाम को लिखने में कम से कम दो लेटर्स की जरूरत पड़ती ही पड़ती है, दो लेटर्स की जरूरत कम से कम पड़ती ही पड़ती है। अब दो या दो से अधिक लेटर्स हैं वो आपस में मिलके कोई सार्थक अर्थ देते हैं, जिसका कोई मतलब निकले तो वो एक सेंसफुल मीनिंग होता है। और अगर वो किसी आदमी का नाम होता है तो आप उस आदमी के नाम को व्यक्त कर सकते हैं या लिख सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गया देवेंद्र, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि आपके पास में कंटेंट हो, आपको बोलना होता है, बस शुरू हो जाओ, बोलना होता है, शुरू हो जाओ, ठीक है। अभी देखो जैसे 2019 में चुनाव आ रहे हैं, अब 2024 के चुनाव आ रहे हैं, अब 2024 के चुनाव में इंडिया, पहली बात तो इनका फुल फॉर्म क्या होता है ये सीखना। इसका मतलब होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। क्या आ जाएगा, नेशनल, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। इंडिया का मतलब होता है क्या मुकेश, कोई को नहीं आ रही है कि ये दिक्कत आ रही है, बच कट लगी भाई, एक बार बीच में आई ना, बस शानदार वीडियो देख रही वापस आसी है क्या, अब याद कौन रही होगी, वॉल्यूम बढ़ा बा, कोई भी तरीको बोई है को और है कोई है? इसने इन सेव कर ले, तू तेरे करने कदे भी देखें तो है सानू फोन कटाए, देवेंद्र आलम किया गए हो कैसे,
लेने को और दूर लेने को कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा है। माइक के कंधे वो दूर वो कोई फर्क नहीं पड़ा। आवाज आ रही को नहीं, आवाज आनी चाहिए। अब तो आ रही आवाज, मुख्य सब आ रही आवाज, अब आ रही आवाज आ रही तो है देवेंद्र। अब देवेंद्र सुन सी ने, देवेंद्र ने दो तीन चीजों को ध्यान रखना है। एक तो आवाज ब्रेक नहीं होनी चाहिए, एक आवाज है साउंड है वो तेज भी होना चाहिए, ठीक है। ये तो सेटिंग में चेंज करते रहे, तो सेटिंग में सेटिंग में तो आप 10 मिनट तक बोल बो फायदा ही, 10 मिनट तक। अगर आप इन सेटिंग ने चेंज कर सकते नहीं कोई मतलब, अब सेटिंग चेंज नहीं कर रहे हाँ तो अपन के बेरो पड़ सीख या अपने उसी जगह सही उसी। एक चीज़ को और ध्यान रख दे, सेटिंग तू ध्यान रखना है तन, बस सेटिंग याद रखनी है ताकि और कदे भी जरूरत है तो आप फिर वापस यूज कर सकते। अब वो वीडियो है इन तू सेव भी कर ले, ठीक है ना, या तो सेव कर ले या फिर इन तरीकों डाउनलोड में ले ले, इन डाउनलोड कर ले ताकि या बाद में कदे और देखना पड़े तो तू आराम से देख सके, ठीक है ना। इस तरीके कोई काम न कर सके तो ठीक है। अब देवेंद्र ने यह ध्यान रखना है कि आवाज़ ब्रेक तो कोई नहीं हो रही है या आवाज़ प्रॉपर और आ रही है कोई, देवेंद्र ब्रेक है या पूरी आ रही है, है? ब्रेक थोड़ी हुई, ब्रेक हो रही है, ब्रेक हो रही है, अनब्रेकेबल आवाज। आवाज बीच में सेटिंग कोई चेंज करी क्या मुकेश, बीच में कोई चेंज करिए, अपना भी ब्रेक हुआ लगी क्या, दो तीन पहले तो ब्रेक कोई नहीं होती आपने, आप 5-7 दिन में बड़ा हुआ लगी है ब्रेक। देवेंद्र अपडेट किया, अपडेट करे होगे तू, इसी अपडेट करे हो या OBS अपडेट। अब इस एक मान आवाज थोड़ी बढ़ानी है अपन, आवाज बढ़ानी भी है ना, हम आगे पीछे करता ही आवाज ब्रेक आलो और बोस आगे, हम तीनन फुल कर दिखाने का ही हुआ है, तीनन फुल कर एक बार कर दिखाने क्या, थोड़ा थोड़ा कम कर दे, थोड़ा थोड़ा कम कर दे, थोड़ा थोड़ा तेज कर, अगर ज्यादा रेड लाइट आ रही है थोड़ा थोड़ा कम कर दे, थोड़ा थोड़ा कम कर दे, कम कर दे थोड़ा थोड़ा, ऐसा अत्ता क्यों, अत्ता क्यों नहीं, थोड़ा सा ले ले, अत्ता क्यों नहीं, थोड़ा सा ले ले, हाँ थोड़ा सा ले ले, कहने राग तो रेड में नहीं जानू चाहिए कि अब कहना जा रही है रेड में, कहना जा रही है तो ही रहे कहीं ना, कहीं हुआ है आवाज क्लियर हो, और निचलन में डाला ऊपरलान पीछे ले ले या कर ले, आगे पीछे कर कर देख, आगे पीछे कर कर देख, क्या कर लिए ही आवाज कम ज्यादा कर लिए, सेटिंग कर रखिए बक रहेंगे, एक बार कर दिखानी ओखटे सी कर रखी है, ईजा कर रखी है ऊपर ले की ठे कर रखी है, एक लखटे सी कर रखी है,
दो को ही फर्क पड़े, नीचे को नहीं फर्क। हौले बोलना आवाज तेज आ जाए है, और बीच लो क्या को है, बीच लो क्या को है, मिड, निचलो ही निचलो, फिर हाई को कौन सो है, ज्यादा गूंज रही है, कम करे ऊपर लो है, और नीचलो नीचलो कहीं करे बढ़ा दे, फिर होड़े तेज कर, ज्यादा नुकसान का ही है तो आपने नीचलो भी जा सके के रेड में। एक बार तू सेट कर भी बाद में बोला, एक बार सेट कर भी ये कर रहे हैं, काटे क्यों इन, हाँ देवेंद्र आ रही है क्या आवाज, सही तैयारी है या कम ज्यादा है, बत्ती आ रही है कि कम ज्यादा को नहीं, ब्रेक हो रही है कि ब्रेक अभी हो रही है, ब्रेक हो रही है कि देख ले ब्रेक हो रही है, 1 मिनट 35 सेकंड 40-50 सेकंड फिर बता दिखाने क्या कर रहा है मुकेश, ठीक कर रहा कहेंगे तो निचले 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 ठीक कर रहा कहती ना, आवाज आवाज लगाई हुआ है 36 के आसपास, तपरारी है हेलो हेलो हेलो, हेलो हेलो हेलो, अगर बोर्ड पर जाऊंगा तो मैं बोर्ड पर चले जाऊं, बड़े साउंड बोले जास के को नहीं के? देखो अगर हम मैथमेटिक्स के सिलेबस की बात करें, अगर हम बात करें मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है, सिलेबस में दो पार्ट्स हो जाते हैं, एक तो हो जाता है अर्थमेटिक का और दूसरा पार्ट हो जाता है
एडवांस मैथ्स का, ये आपके दो पार्ट हो जाते हैं। अर्थमेटिक में पहला चैप्टर हो जाता है नंबर सिस्टम, दूसरा चैप्टर हो जाता है डेसिमल्स, ये दूसरा चैप्टर हो जाता है, तीसरा चैप्टर हो जाता है एलसीएम एंड एचसीएफ, ये तीसरा चैप्टर हो जाता है, चौथा चैप्टर हो जाता है स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट एंड, ये आपका चौथा चैप्टर हो जाता है, पांचवा चैप्टर हो जाता है इंडाइसेज एंड क्या हो जाएगा सेट्स हो जाएगा, ये अपना पांचवा चैप्टर हो जाता है, छठा चैप्टर है हो जाता है आपके क्वेश्चंस और नंबर्स, यानी नंबर्स के ऊपर आधारित क्वेश्चंस और नंबर्स है, ये आपका चैप्टर हो जाता है नंबर छः, सातवां चैप्टर हो जाता है आपके एज वाले क्वेश्चंस हो जाते हैं, एज वाला क्वेश्चन है तो आपका चैप्टर हो जाता है सातवां, अगला चैप्टर हो जाता है सिंप्लीफिकेशन हो जाता है, यानी सरलीकरण हो जाता है, उसके बाद में आपके एवरेज आ जाता है, उसके बाद में परसेंटेज आ जाता है, उसके बाद में प्रॉफिट एंड लॉस आ जाता है, उसके बाद में आपके डिस्काउंट आ जाता है, उसके बाद में आपके रेशो एंड प्रोपोर्शन आ जाता है, रेशो एंड प्रोपोर्शन आ जाता है, देवेंद्र कट रही है या सही आ रही है, बिल्कुल कौन कट रही है, और कम ज़्यादा है कि सही है कि चीज सही है क्या, देख लो मुकेश, मुकेश अगर ये सही है तो यहाँ यहीं इसको कर दो फिक्स, अगर सही है तो यहीं फिक्स कर दो, ज्यादा अपने को प्रयोग करने की जरूरत है, अगर अगर सही है नहीं कट रही है कोई दिक्कत नहीं है, यहीं इसको फिक्स कर देते हैं, जैसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन है, इसके साथ में अगला चैप्टर आ जाता है आपके पार्टनरशिप, पार्टनरशिप है ये पार्टनरशिप हो जाएगा, पार्टनरशिप के बाद में अगला चैप्टर हो जाता है एलिगेशन हो जाता है, एलिगेशन यानी मिक्सर हो जाता है, ये आपका अगला चैप्टर हो जाता है, उसके बाद में अगला चैप्टर आता है टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क आ जाता है, टाइम एंड वर्क है, इसके बाद में पाइप एंड सिस्टर्न आ जाता है, पाइप एंड सिस्टर्न यानी पाइप और टंकी आ जाता है, इसी में एक कंसेप्ट बनता है टाइम एंड वर्क में, पाइप एंड सिस्टम में एक कंसेप्ट बनता है, इसको बोलते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन, बोलते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन, बोलते हैं कंपाउंड प्रोपोर्शन, बोलते हैं इसको कहा जाता है मिश्र समानुपात कहा जाता है, मिश्र समानुपात कहा जाता है, इसमें भी टाइम एंड वर्क के ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इनको मिश्र समानुपात एक कंसेप्ट है जिसके माध्यम से इनको किया जाता है, कंपाउंड प्रोपोर्शन का ध्यान रखना है, अगर कंपाउंड प्रोपोर्शन और टाइम एंड वर्क की बात करें तो बाद में आता है टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड डिस्टेंस हो जाएगा, टाइम एंड डिस्टेंस हो जाएगा, ये आपके टाइम एंड डिस्टेंस आ जाता है, इसके बाद में टाइम एंड डिस्टेंस में ही आपके ट्रेन आ जाता है, इसी में आपके बोट एंड स्ट्रीम आ जाता है, एंड स्ट्रीम ये आपका अगला चैप्टर हो जाता है बोट एंड, यानी धारा और नाव, इसके बाद में अगला चैप्टर आता है इंटरेस्ट यानी ब्याज, इंटरेस्ट आ जाता है यानी ब्याज आ जाता है, ब्याज को आप दो भागों में, मैं तो कहता हूँ तीन भागों में बांट सकते हो, एक तो होता है सिंपल इंटरेस्ट होता है, एक कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, और एक होता है इंस्टॉलमेंट होता है यानी किस्त होती है, किस्त में आपके सिंपल इंटरेस्ट की किस्त होती है और आपके कंपाउंड इंटरेस्ट की, ये आपका आ जाता है इंटरेस्ट में आ जाता है, ब्याज में आ जाता है, ठीक है न, आराम से समझिए, देखिए क्या लगे
सिलेबस है ये तो हो जाता है अर्थमेटिक का। अगर हम एडवांस की बात करते हैं, एडवांस के सिलेबस में जैसे हम ये बात करें एडवांस मैथ्स है, इसका सिलेबस क्या हो जाएगा? एडवांस मैथ्स के सिलेबस में पहला चैप्टर हम लेते हैं एलजेब्रा, दूसरा चैप्टर है वो हम लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री, तीसरा चैप्टर है वो लेते हैं हम ज्योमेट्री, चौथा चैप्टर है वो लेते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है ये लेते हैं, पांचवा चैप्टर है वो लेते हैं हम मेंसुरेशन है ये लेते हैं। मैं आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में एक बात और बता देता हूँ। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो पहले सिलेबस में था आपके एसएससी के एग्ज़ाम में, लेकिन अभी एसएससी के सिलेबस में दे नहीं रखा है। हाँ, रेलवे की एग्ज़ाम में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के जाते हैं गए हैं, तो अभी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को थोड़ा सा सीक्वेंस में मेंसुरेशन के बाद में ले लेंगे लास्ट में। इसके अलावा एसएससी ने नए चैप्टर्स जोड़े हैं, तो रेलवे में तो पहले से ही थे, एसएससी ने नए चैप्टर्स जोड़े हैं, उनमें से एक तो है प्रोबेबिलिटी। अगर आप पढ़ते हैं तो डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ सकते हैं, उससे पहले परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ना पड़ता है, इसको हम पी एंड सी बोलते हैं, परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। इसके बाद में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ने के बाद में अगला चैप्टर आता है आपके स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर आता है। स्टैटिस्टिक्स में आपके वो सारे आ जाते हैं, इसमें आपका मीन है, ओड है, मीडियन है, इसमें आपके मीन मोड मीडियन, इसमें आपके रेंज आ जाता है, रेंज कोफिशिएंट आ जाता है, इसमें आपके डेविएशन आ जाता है, इसमें आपके वेरिएंस आ जाता है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस आ जाता है, ये आपका हो जाता है किसका, आपके स्टैटिस्टिक्स का पार्ट होता है। इसके ऊपर आपसे एग्जाम में सवाल पूछे जा सकते हैं या आपको सवाल पूछे जाने की संभावना या पॉसिबिलिटी। बता देवेंद्र, तैयार है क्या? मामूली बहुत कड़ा कड़ा कटा है सेटिंग है मुकेश, देना एक बार बीच में एक जगह टूट पड़ा गया, पहले तो सही आई है लगातार, बीच में तो चेंज करियो देखियो। तो एक बार बोलियो ना, अब चेक करो ठीक है, बाद में सही है? यार एक सेटिंग राख तो सीरीज को। हाँ नहीं बाबा, तो सही है तेरी, लेकिन तेरे याद रह जाना तो चेंज कर, नहीं याद नहीं रहना चेंज मत कर। पहले बी के ऊपर फीडबैक ले कि भाई के ऊपर फीडबैक किया है, बी के बाद में चेंज कर। अब तू लगातार चेंज कर रही, अपन बेरो को नहीं पड़ा कौन सी सेटिंग का माना सही आई ही। कौन देवेंद्र, मान ला तू तीन चार सेटिंग चेंज करी, कौन समझोगे? या सपोज कर मुकेश चार सेटिंग चेंज करी, अब चार सेटिंग में मुकेश आ देखा है कि का मान आवाज़ सही आई, अब चार सेकेंड का मान सेटिंग में मान ले, तीसरी सेटिंग है बी का मान आवाज़ सही आई, पहली में भी सही को नहीं है, दूसरी में भी सही को नहीं है,
तीसरी में आवाज है बात सही आई ही, और चौथी में भी आवाज है मान ले बात सही को नहीं। अब आपा तो कह दियो कि तीसरी सेटिंग के मान आवाज सही आ रही है। अब मुकेश ने तीसरी सेटिंग याद होनी चाहिए, जना ही तो बता सके ना कि भाई इस सेटिंग के ऊपर आवाज सही आई, जना आ सेटिंग में बरकरार रख लियो। सही बात है ना। अब क्या आ रही है देवेंद्र, ब्रेक हो रही है या सही आ रही है? है? कोई ब्रेक को नहीं आ रही होगी। ठीक है ठीक है, थोड़ी देर चाल बाद दे। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले आपा पढ़ रहा है। देखो पढ़ाई दो तरीके से उसका है, काफ़ी लोग है इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट्स आते हैं जो कहते हैं सर हमें इंग्लिश मीडियम में पढ़ाओ, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कहते हैं कि सर हमें हिंदी मीडियम में पढ़ाओ, लेकिन एक मीडियम और होता है और वो होता है अपना लोकल मीडियम होता है। जैसे अपन राजस्थान में रहने वाले हैं तो इनका मीडियम हो जाएगा राजस्थानी हो जाएगा। अब जैसे इसमें कई टीचर्स ऐसे हैं जो राजस्थानी मीडियम में पढ़ा के काफ़ी अच्छे फेमस भी हुए हैं और स्टूडेंट्स ने उसको लाइक भी किया है। इसमें से सबसे पहला नाम आता है सुभाष सारण का। सुभाष सारण है ये राजस्थानी मीडियम में पढ़ाते हैं और जीके के टीचर हैं, और ये राजस्थान जीके के टीचर हैं। ठीक है, अब राजस्थान जीके ये अच्छा पढ़ाते हैं बुरा पढ़ाते हैं, लेकिन इसके इनके कुछ वीडियोज हैं काफ़ी वायरल हुए थे। एक तो जैसे पृथ्वीराज राजस्व है उस काफ़ी वायरल हुआ था वीडियो, एक ऐसे दो चार वीडियो हैं जो वायरल हुए थे। उसके बाद में इनका ये एक स्टाइल बन गया है कि राजस्थान जीके या फिर जो भी ये जीके पढ़ा रहे हैं वो तो राजस्थानी लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं, और इससे इसी रूप में इनको फेम मिला है, और आज के दिन ये काफ़ी अच्छा कर रहे हैं अपने फील्ड में। ये एक एग्जाम्पल है कि कोई जरूरी नहीं कि मीडियम इंग्लिश या हिंदी हो, आपकी लोकल जो लैंग्वेज होती है वो भी आपकी पढ़ाई का लैंग्वेज हो सकती है, और उसमें भी आप जाके काफ़ी अच्छा कर सकते हो। ठीक है देवेंद्र, बताए अब सही आ रही है कोई नहीं आ रही? कोई ब्रेक आ रही है कटे है? चलो मैं देखूं दिखानी।
या यो और कौन सी कमान गड़बड़ा रहे हो, ठीक है ना। देखो अब देखो मैं बात कर रहे हो कि राजस्थानी मीडियम में भी पढ़ा के अच्छी तरीके से आप इनके व्यूज लिए जा सकते हैं या काफ़ी सारा लोगों में या स्टूडेंट्स में फेमस हुआ जा सकता है, ठीक है ना। ऐसे ही काफ़ी टीचर्स ऐसे होते हैं जैसे राजस्थान के बाहर के हैं, जैसे कोई टीचर बिहार का है, बिहार का है तो उसका जो मीडियम होता है वो बिहारी भाषा है जो कि भोजपुरी होती है, तो वो भोजपुरी भाषा में बोलते हैं और उसी लैंग्वेज में या उसी मीडियम में पढ़ाते हैं। हालांकि भोजपुरी है या राजस्थानी है ये एग्जाम्स में आपका पेपर नहीं आता है, लेकिन फिर भी अगर आप इस मीडियम में पढ़ाते हैं तो स्टूडेंट्स के बीच में एक तरीके से पॉपुलर होने का चांस रहता है। अब यहाँ पर हम जैसे जयपुर में पढ़ा रहे हैं, अब जयपुर में हम लोकल लैंग्वेज में क्यों नहीं पढ़ा सकते उसका एक छोटा सा रीज़न बताता हूँ मैं। जयपुर में यहाँ पर स्टूडेंट्स आते हैं अलग अलग साइड से, अलग अलग साइड से स्टूडेंट्स आते हैं। जैसे एक साइड है आगरा रोड जिसमें आते हैं दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर, धौलपुर, भरतपुर या आपके और अलवर, ये आ जाते हैं। तो यहाँ से जो लड़के आते हैं वो हाड़ौती वाली भाषा या ये वाली भाषा बोलते हैं। दूसरा एरिया हो जाता है जयपुर के आसपास का एरिया, तो ये सब लोग ढूंढाड़ी बोलते हैं तो इनका बोलने का लहजा थोड़ा सा अलग होता है। तीसरा आता है शेखावाटी वाला एरिया आता है जो कि वो शेखावाटी लैंग्वेज बोलते हैं तो उनका बोलने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है। फिर स्टूडेंट्स आते हैं बीकानेर साइड से तो उनकी लैंग्वेज में थोड़ा फर्क आ जाता है। उसके बाद में गंगानगर और हनुमानगढ़ वाले हैं, ये शेखावाटी और बीकानेर वाली लैंग्वेज का मिक्सर होता है। इसके अलावा जोधपुर वाले लड़के आते हैं उनकी लैंग्वेज में फिर थोड़ा चेंज आ जाता है, अजमेर वालों के फिर थोड़ा चेंज आ जाता है, कोटा वाले हैं उनके फिर थोड़ा चेंज आ जाता है, अगर कोई लड़का उदयपुर से सिरोही से उधर से आ रहा है तो उनकी लैंग्वेज में फिर कोई चेंज आ जाता है। इसलिए जयपुर में लोकल लैंग्वेज में पढ़ाने की अगर बात आती है तो लोकल लैंग्वेज में पढ़ा तो सकते हैं, लेकिन कौन सी लोकल लें क्योंकि इनमें काफ़ी वेरिएशंस हैं और कौन सी लोकल लैंग्वेज है वो यूज़ करना ज़्यादा सही रहेगा ये कन्फर्म नहीं हो सकता है। अब इसके लिए एक ही तरीका बचता है और वो तरीका बचता है कि स्टूडेंट्स को हिंदी में पढ़ाया जाए ताकि वो सबको सूट कर जाए और सबके लिए सही रहे, किसी को कोई दिक्कत ना हो, ठीक है ना। चेक कर लेते हैं अब, अब कड़ो सही लगे हो, ब्रेक थोड़ा आयो, हैं की चीज, एक कोई टेंशन तो छोड़ दे तू, तो बंद कर दिए, मत सुनो, बंद कर दिए थाना, हाँ। अब देखो
ला देवेंद्र देख जी, लो चेक कर लेते हैं। अपने को चेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहोगे तो 10 बार चेक कर लेंगे, 10 बार चेक कर लेंगे, लेकिन आपको कम से कम उस चीज़ को ध्यान रखना है कि जिस आवाज़, जिस सेटिंग में सबसे सही आवाज़ आई थी, जिस सेटिंग में सबसे सही आवाज़ आई थी वो सेटिंग क्या थी, ये आपको ध्यान में रखना पड़ता है, ठीक है ना। मैं आपको लैंग्वेज की बात बता रहा था या पढ़ाने का जो मीडियम है उसकी बात बता रहा था कि कौन से मीडियम में पढ़ाना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने आपको फाइनली कंक्लूजन किया था कि हिंदी मीडियम में फाइनली क्यों पढ़ाया जाता है, उसका एक रीज़न बताता हूँ मैं आपको। आज के टाइम में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनमें से मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स हैं, या ये कह सकते हैं कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, वो इंग्लिश मीडियम के भी होते हैं और हिंदी मीडियम के भी होते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, नॉर्थ इंडिया में और स्पेशली राजस्थान में तो सबसे ज़्यादा, अगर कोई स्टूडेंट है वो इंग्लिश मीडियम का भी है तो भी उसकी जो कम्युनिकेशन लैंग्वेज जो होती है, जैसे वो घर पे जिस भाषा में बात करता है या बाजार में जिस भाषा में बात करता है या अपने रिलेटिव्स के बीच में जिस भाषा में बात करता है, वो भाषा उसकी हिंदी ही होती है, ठीक है ना। तो जब कभी भी हम क्लास में पढ़ाते हैं तो हमारा जो पढ़ाने का टीचिंग मीडियम होता है इंग्लिश का मतलब होता है हिंदी प्लस इंग्लिश, इंग्लिश का मतलब है हिंदी प्लस इंग्लिश। अभी पीछे जो ब्रेक आया था वो आवाज कटी नहीं थी, मैं थोड़ा सा रुक गया था इसलिए आपको लगा होगा, ठीक है। तो ये आपकी इंग्लिश है, ये भाषा हो जाती है कम्युनिकेशन की भाषा, यानी इसमें क्या होता है, हिंदी के टर्म्स भी यूज किए जाते हैं, इंग्लिश के टर्म्स भी यूज किए जाते हैं, और समझाने का जो मीडियम होता है वो हमेशा हिंदी रहता है। अभी आपके हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों स्टूडेंट्स हैं उनको सूट कर जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है किस तरीके से कैसे पढ़ाना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात थी, मीडियम की बात थी ये, ठीक है। कौन सी जगह कौन सा मीडियम सही होता है उसके बारे में हम बात कर रहे थे, बताओ मुकेश, बताओ, बोल रहे कुन्यारो थे को सागे हो जाए, मतलब क्या सागे हो जाए, कत्ते एक पीछे चला है तो 10 सेकंड 15 सेकंड पीछे चलती हुई, मैं तो लगातार 2 मिनट बोल रही हूं, तो भी 2 मिनट को निष्कर्ष बताओ, बीच में चेंज करेगी तो कुछ है, हाँ तो और बोलूंगे सही है क्या, ठीक है सही है। अब तू 4 बार तो सही कर ली और तेरा खुद का याद रहे को नहीं कि सही कौन सी जगह ही, ठीक है ना। आज या मान ले तू काल की क्लास की जगह एनर्जी हिंद भाभी तू आज ही ले ली, ठीक है ना, 2 दिन की क्लास की एनर्जी ले ली, ठीक है ना। और अब एक चीज को ध्यान रख दे, जबकि सेटिंग का मान एकदम सही आ जाए, जबकि सेटिंग में एकदम सही आ जाए, भी सेटिंग में अपन बरकरार रखनू है, ये बात को ध्यान को रखनू है कि आपने आवाज में अब और कोई परिवर्तन कराए या और कोई चेंज कराए। मैं खुद बोल तो क्या समझ सकूं हूं, मैं तो खुद बोल रही हूँ, मन क्या बेरो पड़छी सही आ रही है कि नहीं आ रही है, मैं तो खुद बोल रही हूँ ना, बोल बाड़ा क्या बेरो पड़छी भाई सही आ रही है, क्योंकि मैं बोल सू या सुन सू, थे सुनो आराम हो और अगर थे दोनों सेटिस्फाई हो तो मैंने बता दो कि आज सही है और बिन नहीं आज फाइनलाइज कर दियो, एक बार आज के बाद में कदे दोबारा चेंज भी को नहीं करनी। और अब जबकि सेटिंग है इन मुकेश भाई तू याद भी रखनी है, क्योंकि याद रख लेने जरा फिर वापस कदे डिस्टर्ब हो जा तो इस सेटिंग में वापस कर सके तू, अगर तेरा याद ही नहीं है तो आज तो तू कर ली, एक अमान अपन 2 घंटा में ज्यादा लाग गया है, तो कल भी आई बात आसी परसों भी आई बात आसी, और टाइम है वो बहुत ज्यादा अपनों लाग जाए है, और ये टाइम ना अपा कोई अच्छे काम में ले सका, ठीक है ना। तो आज के बाद में ध्यान रखना है बात को, ठीक है ना, पंखो चालू कर दे। अब एक मान आवाज का मान पंखा को कहीं इफेक्ट हुआ है इस चीज ने भी आपा देख ले से, क्योंकि एक आपने बहम आ रहे हो कि पंखो चालू करवाऊं कोई दिक्कत आ सके, तो देखो पंखो चालू करवाऊं मेरे हिसाब में कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए, और अगर फिर भी आपा नहीं लगा है कि पंखो चेंज करवाऊं कोई दिक्कत आई है तो आपा ये पंखा थोड़ी देर चला ले से, 1 या 1.5 मिनट चला देख ले से, अगर पंखो चलावाऊं कोई दिक्कत आ रही है तो फिर अगली क्लास का मान आप पंखो बंद कर क्लास कर ले सियां, एसी चला ले सियां, और अगर पंखो चलावाऊं दिक्कत नहीं आ रही है तो पंखे की टाइम पर पंखो चला ले सियां, और गर्मी ज्यादा उसी ना आप कहीं चला ले सियां एसी चला ले सियां, ठीक है ना। इनमें
मेरे हिसाब में सबसे ज्यादा जो दिक्कत है वह कोई अपडेट वगैरह मांगे है, बी कमान में सेटिंग चेंज हो गई है। अब उसके आपने जो कंप्यूटर है पीसी है बी कमान अपडेट करे हो लो, या फिर आप ओबीएस है वो कोई अपडेट मांगे हो लो, या कोई कोई कारण हो उसका है, ठीक है। तो अपन ध्यान रखना है, अब तक अगर चेक होगी जना तो बता दियो कि अत्या का मान चेक होगी, इन ज्यादा चेक करवा की जरूरत कौन पड़े। अगर अतम